हे बॉयज, आओ अपने पाओ पर जांग रखे कसम खाते हैं, आज उनके छक्के छुड़ा देंगे। हमका चाहिए बदला। क्या चाहिए हमको बदला? तू भी अपने मुंह का ढक्कन खोल। हमका चाहिए बदला। चाहे CBSE के पेपर हो चुके हैं लीक, अब शुरू होने वाली है IPL इंडियन प्रीमियर लीग। लगता है धोनी भाई के शरीर में बाहुबली का भूत सवार हो गया। हाँ, मुझे लगता है उनको जलजीरा पिलाना पड़ेगा, तभी उनके कलेजे में ठंडक पड़ेगी। कौन हंसा? क्या ऐसे हंस हंस कर तैयारी करोगे? हमारी वापसी से हमारे फैंस को बहुत उम्मीदें हैं, और तुम लोगों को उस उम्मीदों में पानी पूरी नहीं फैलाना है। हम कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे माही। हम किसी के माही वाही नहीं, ये है हमारी 2.5 किलो की बैट। अरे भाई ये तो शर्मा जी की बैट है। ये बैट गरुड़ द्वार की तलवार के जैसे, इसके आप मालिक बन सकते हो, लेकिन ये आपकी मिल्कियत नहीं बन सकती। ये बैट सिर्फ किस्मत वालों के हाथ में आती है, और ये अब मेरे पास है। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया, धोनी भाई को भूख लगी है मतलब। अरे धोनी भाई का एंगर का कारण हंगर है, हंगर। जाओ बोलना लंगर। कौन मेरे बारे में फुसुड़ फुसुड़ कर रहा है? अरे भाई मैंने, हम तो इंग्लिश वाले हैं भाई। चाहो तो तुम लोग हिंदी वाले हो, मतलब तुम हो। क्या रे छोरो, जो भी बोलना है मुँह पे बोलो ना। भाई आप स्नीकर्स खाओ, वो आपको अपने ओरिजिनल रूप में ला देंगी, क्योंकि स्नीकर्स अच्छे अच्छे को बदल लेता है। अरे यार टीवी वाले झूठ बोलते हैं, मेरे दोस्त की बीवी रोज रात को मंजुलिका का रूप धारण करती है। मेरा दोस्त रोज उसे स्नीकर्स खिलाता है, लेकिन फिर भी वो उसका खून चूसती है रोज। लगता है धोनी भाई विराट की बात कर रहे हैं। अरे यार तूने तो मेरे मन की बात बोल दी। कौन हंस रहा है रे? खिलड़ खिलड़ खिलड़। सच बताओ, तुमने मेरा खुराक चुरा है ना? सुबह से खाया नहीं तो दिमाग गरम गरम हो गया। भाई मैंने नहीं खाया आपका खुराक। झूठ बोलते हो, मेरे पास है सुराग, और मुझे तुम दोनों पे शक आ रहा है। अरे माही हमने नहीं चुराई। हम किसी के माही वाही ना ही बोला ना। जाओ जल्दी मेरा खुराक ढूंढ के आओ सिपाहियों, ये मेरा आदेश है। जाओ जल्दी जाओ सिपाहियों, वरना ड्रेसिंग रूम में तांडव मचेगा तांडव, और लोग माही माही नहीं त्राही त्राही करेंगे, त्राही त्राही। अरे यार कुछ करना पड़ेगा यार, माही भाई ज्यादा ही गर्म हो रहे ले। हम किसी के माही वाही नहीं। जा भाई तू ढूंढ क्या, वैसे ये कौन सा खुराक है भाई? तू जो चीज ढूंढ रहा है वो मेरे पास नहीं है मुन्ना, तो बताओ ना भाई जल्दी। वो धोनी भाई वहाँ पे तांडव कर रहे, किसके पास होगा वो खुराक? मेरी बात सुन, शर्मा जी के लौंडे के पास जा, तुझे उसका खुराक मिल जाएगा। शर्मा जी जल्दी दे दो वो चीज जो आपने धोनी भाई से चुराई। ओए क्यों ना चुराता, उन्होंने मेरी 2.5 किलो की बैट चुराई, और मैंने उनकी स्पेशल चीज चुराई, जिस वजह से वो प्रेशर में भी अपना दिमाग कंट्रोल में रखते हैं, और अब 7 तारीख को वो इसके बिना कैसे जीत पाएंगे मुन्ना? जीत तो हमारी ही होंगी। शर्मा जी जीत तो आप भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास आपकी 2.5 किलो की बैट नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और तूने तो मेरा भरम मिटा डाला। तो फिर डील करे, मैं आपको 2.5 किलो की बैट देता हूँ, और मैं तुझे ये ककड़ी देता हूँ, हिसाब बराबर। तुम मुझे ककड़ी दो, मैं तुम्हें लकड़ी देता हूँ। और लकड़ी? और वो मेरी 2.5 किलो की बैट है, रिस्पेक्ट कर उसकी, रिस्पेक्ट। लेकिन बनी भी तो लकड़ी से ही है ना, क्या लोखंड से नहीं बनी? जा रे जा, यहाँ से जा, ये ककड़ी ले जा, और मेरी 2.5 किलो की बैट लेके आना मुन्ना, वरना तेरा तबला बजा दूंगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। ए कहाँ गए रे सब? धोनी भाई मैंने आपका खुराक लाया, ये लो जल्दी लो, आप भी क्या याद रखोगे। अरे वाह मुन्ना, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, अब इसे खाकर देखता हूँ। अरे वाह भाई, इस हरे कलर के डोनट ने तो कमाल कर दिया, धोनी भाई वापस पहले जैसे हो गए। अरे भाई वो हरे कलर का डोनट नहीं है, वो ककड़ी है। ओए मुन्ना लोग, आप बताइए आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है, कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, STV को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना, क्योंकि वहाँ भी छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे। ओके मैं जाता हूँ, मुझे मैडम जी से मिलना है, उनको हरे डोनट की पार्टी देना है, इसीलिए जाना है।